मात्र दिवस पर एक विशेष प्रस्तुति। देश में कुछ लोग अपनी आन बान और शान शौकत के लिए बूढ़े माँ बाप को अपने से अलग कर देते हैं, क्योंकि इन लोगों के लिए बूढ़े माँ बाप बोझ लगने लगते हैं। जिंदगी भर इसी माँ बाप ने उसी शान शौकत से को त्याग कर अपने बेटों का लालन पोषण किया और समाज में उच्च स्तर के योग्य बनाया, किंतु आज उच्च स्तर के इन बेटों ने अपने पालनकर्ता को ही सजाए मौत से भी बढ़कर सजा दे डाली। 40 साल परिवार की आदत होने के बाद एक साथ रहना, यहाँ तक कि हर पर्व में खुशी मनाना, यह एक सौभाग्य होता है, किंतु समाज के कुछ कलयुगी बेटों का कारनामा देखने में आया। उसी पालनकर्ता को घर से बाहर लावारिस हालत में छोड़ दिया गया और एक बार भी पलट कर इस बूढ़ी माँ की ओर नहीं देखा। इस दुनिया में कहते हैं भगवान है, वह इन बेसहारा माँ के लिए शांति धाम के रूप में भगवान के रूप में आए और इन बेसहारा बूढ़ी माँ बाप के लिए सहारा, प्यार और परिवार दिया। इन शांति धाम में रह रहे बेसहारा बुजुर्ग माताओं को आज भी अपने परिवार का इंतजार करते नजर आती हैं। हमारी चर्चा करने पे इन बुजुर्ग ने बताया कि आज भी वो परिवार की रास्ता देखते रहते हैं कि कब कोई परिवार का एक साथी हमें आएगा और वापस अपने घर ले जाएगा। ऐसा लगता है कि इनकी ये बूढ़ी आंखें देखते देखते कहीं थक ना जाए। उन्हें समाज के सबसे हितकारी कार्य व सबसे बड़े कार्य को इन्होंने अपने हाथ में लिया। रॉबर्ट कहाँ रहने वाली है? डिक्के रहे। अच्छा, आप यहाँ अभी और कौन कौन है आपकी फैमिली में? दो बच्चे, एक बेटा एक बेटी। वो कहाँ है बोले? बेटा बॉम्बे में, बेटी दिल्ली में। क्या करते हैं लोग? नौकरी करता। आप फिर यहाँ कैसे? मैं तो अपने इच्छा से आए इधर। अपनी इच्छा? बच्चे दोनों बिजी अपने काम में, मैं थोड़ा मैं आश्रम में रहूँगा। उनके साथ क्यों नहीं रहती? बच्चों के साथ? बच्चों के साथ क्यों नहीं रहती हैं? अच्छे इतना देखभाल नहीं कर रहे, इसलिए देखभाल नहीं कर पाते। याद आती है आपको बच्चों की? कभी बच्चा मैं नौकरी करता, पूरा पैसा मेरे से छीन ली, मेरे को मारपीट करने लगी, बोला मम्मी के जेवर वगैरह हमको दे दो, वो नहीं दिए, इसलिए गुस्सा चढ़ गए। मैं फिर मेरे सिस्टर को बोल दी, सिस्टर ने मेरे को बोला अंदर चले जाना। यहाँ कैसा लगता है आपको? कैसा लगता है? हाउ फीलिंग? अच्छा लग रहा है, अपने अच्छा फैमिली से। फैमिली जब? क्या नाम है आपका? मानता भाई। मानता भाई, और कौन कौन है परिवार में? कौन कौन है आपके? कोई नहीं है मेरे, सब मर गए। लड़का लड़की थे वो भी मर गए। रमेश नाम था लड़की लड़का का, लड़की के दुर्गा नाम था। जच्छा पर पढ़ाई, कोचिंग मास्टर ने पढ़ाए। कोई परिवार में कोई नहीं आपके यहाँ? परिवार में है मगर कौन किसी का होता है। इससे मैं भर्ती हो गई पंडित जी। यहाँ कैसा लग रहा है आपको? अच्छा ही लग रहा है। कैसे लोग हैं यहाँ के? अच्छे लोग हैं। अच्छे लोग, देखभाल अच्छी करते हैं आपकी? हाँ, यही दिनों में तो भर्ती रही हूँ मैं। बोरी भाई, कहाँ रहती हैं आप? ना चांदा मटा। अंजुमन चौक। परिवार में कौन कौन है यार आपके? परिवार में कोई नहीं, मैं अकेली। लड़के बच्चे भाई बहन? कोई नहीं भैया, सब मर गए। कोई तो होगा अभी है तो कौन गांव के? जब आप उनको रखा ही नहीं रहे। वो कहाँ है अभी इसमें? अब कोई पता ही नहीं है उनका कहाँ है। काम वाम करते हैं बाहर कहीं? कहीं बाहर होंगे, वो यहाँ नहीं है। फिर आपको कभी पूछा है कि उन्होंने? कभी नहीं पूछा भैया, इतना बड़ा हो गए कभी नहीं पूछा। अच्छा, कैसा लगता है आपको यहाँ आश्रम? अच्छा लगता है। परिवार के लोग हैं आपके यहाँ पे? हाँ। कहाँ के रहने वाली हैं आप? इंगलाज। इंगलाज। हाँ। आपकी फैमिली परिवार में कौन कौन है? अकेले। बच्चे? कुछ नहीं।
कोई नहीं, कोई तो होगा रिश्तेदार, कोई रिश्तेदार है, सब अपने बहुत दूर है, दूर दूर है। हाँ, कभी किसी ने पूछा कि नहीं आपको? अभी किसी ने पूछा। आप यहाँ रह रही हैं, कैसा लग रहा है आपको? ये बेटी हैं, हम सच्ची बोलते हैं, ये बेटी हैं आपकी? हाँ। देख रेख जो करती हैं? हाँ, देख रेख करते हैं जी। यहाँ ठीक लगता है? हाँ, ठीक लगता है। कोई परेशानी वगैरह? कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। माई नेम इज सिस्टर रेजिनाल्डा। तो मैं यहाँ भी आप लोगों से बोलना चाहती हूँ मेरी संस्था के बारे में थोड़ा, उसके बाद मैं इन लोगों के बारे में बोलूँगी। हम लोग का संस्था का नाम है सिस्टर्स ऑफ चैरिटी। वो इटली में 1832 में ये संस्था स्थापित हुआ, और उसके बाद हम लोग का संस्था पूरा दुनिया में काम करते हैं। जैसे हम लोग का स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, अनाथ बच्चों के लिए सभी प्रकार का सेवा पूरा दुनिया में होती है। तो हम लोग का इंडिया में ये संस्था चालू हो गया 1860 में पहले, और अभी इंडिया में 8 प्रोविंस है, जैसे कोलकाता नॉर्थ ईस्ट, केरल, मैंगलोर, सिकंदराबाद, दरवार, साउथ ईस्ट इंडिया और न्यू दिल्ली, शांतिधारा, महामुड़ी। हम लोग We'll be right back.